जी, आज बाड़मेर में मैंने एज कलेक्टर ज्वाइन कर लिया है, और अभी बिल्कुल इमीडिएट प्रायोरिटी रहेगी, काफ़ी बारिश हुई है ज़िले में, सड़कों का हाल ख़राब है, तो ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों पर विशेष अभी ध्यान रहेगा। साथ ही साथ कुछ इश्यूज पानी और बिजली के भी मुझे बताए गए हैं, तो उस पर भी फोकस रहेगा। स्वास्थ्य बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अभी काफ़ी बारिश हुई है तो मौसमी बीमारियों का फैलने का भी थोड़ा सा डर रहता है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके थोड़ा स्वास्थ्य एक और एरिया फोकस एरिया रहेगा, और जो भी बाकी सरकारी स्कीम्स हैं हमारी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हों, लास्ट माइल तक उनका रीच रहे, वो भी हमारी एक प्रायोरिटी एरिया रहेगा। महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा मेरे दो बहुत फेवरेट फोकस एरियाज रहते हैं, तो एज कलेक्टर, मैं खुद एक महिला कलेक्टर हूँ, तो मेरे लिए वो भी एक प्रायोरिटी का एरिया रहेगा। कोशिश करेंगे, फिर से मारवाड़ में काम करने का मौका मिला है, पहले मैं जैसलमेर कलेक्टर भी रह चुकी हूँ, तो वहाँ का भी अनुभव मुझे लगता है काम आएगा। बाड़मेर और जैसलमेर काफ़ी सिमिलर हैं, और जैसलमेर में जो टूरिज्म का एक पोटेंशियल है उससे भी काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। कोशिश करूँगी बाड़मेर के लिए भी इस दिशा में मैं कुछ कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।